अपराजिता की बेल में गर्मियों के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है। सितंबर अक्टूबर तक इस बेल में फूल खिलते रहते हैं और जब सर्दियों का सीज़न आता है तो ये बेल डोरमेंसी में चली जाती है। इसकी नई ग्रोथ होती तो है मगर बहुत ही कम ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। यदि हम इस बेल की अच्छी केयर नहीं कर पाते हैं तो ये बेल सूख जाती है। मेरे गार्डन में ये बेल आप देख सकते हैं, अभी तक ये बेल हरी दिखाई दे रही है मगर अब इस बेल की कुछ ब्रांचेज सूखने लगी हैं। अब फरवरी के महीने में हमें इस बेल में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम इस बेल की अच्छी देखभाल कर लेते हैं तो नेक्स्ट सीजन के लिए भी ये बेल बच जाएगी और गर्मियों के सीज़न में इसमें दोबारा से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी के महीने में अपराजिता की बेल में हमें कौन कौन से काम करने हैं ताकि इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस बेल में फरवरी के महीने में क्या काम करने हैं। सबसे पहला ज़रूरी काम ये है कि हमें इस बेल की हार्ड प्रूनिंग करनी है। इसकी सूखी हुई ब्रांचेज को तो हटाना ही है और इसकी जो पुरानी ब्रांचेज है उन सभी ब्रांचेज को भी काट देना है। यदि हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम देखने को मिलेगी, इसमें नई ब्रांचेज कम निकलेंगी और यदि हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो इसमें से बहुत ही अधिक मात्रा में नई नई ब्रांचेज निकल कर आएंगी और ये बेल बहुत ही घनी बन जाएगी। फरवरी मार्च में इस बेल में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले आप इसकी प्रूनिंग कर दें। गमले में लगी हुई अपराजिता की बेल की यदि आप मिट्टी चेंज कर देते हैं और इनकी पुरानी जड़ों को ट्रिम कर देते हैं तो इस बेल की अच्छी ग्रोथ होगी। गमले की पूरी मिट्टी निकालकर इसकी पुरानी जड़ों को ट्रिम कर दीजिए, ये बेल नहीं सूखेगी क्योंकि इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है और मार्च में इस बेल की कटिंग आप लगा सकते हैं। इस बेल की ग्रीनरी बनाए रखने के लिए आप इसकी मिट्टी में ऑर्गेनिक काउडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिक्स कर दें। फरवरी के महीने में हमें इस बेल में खाद डाल देनी है। यदि हम साल में एक बार भी इस बेल में खाद डाल देते हैं तो पूरे साल भर इस बेल की अच्छी ग्रोथ होती रहती है। आप इस बेल को फरवरी मार्च में बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी अब फलियां बनी हुई हैं और इनकी सूखी हुई फलियों से बीज निकालकर आप इसके बीज लगा सकते हैं। इस बेल के बीज बहुत ही जल्दी उग जाते हैं, 4 से 5 दिन में ही इनमें नए नए पौधे निकल आते हैं। जैसे ही गर्म मौसम शुरू होता है इस बेल में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आप इस बेल की लोकेशन का भी विशेष ध्यान रखें, इस बेल को पूरे दिन भर की सनलाइट मिल जानी चाहिए। यदि आप इसमें अधिक से अधिक फूल पाना चाहते हैं तो इस बेल को आप डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में ही लगाइए। मैंने इस बेल को नीचे ज़मीन में ऐसी जगह ही लगा रखा है जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इस बेल को मिल जाती है और आप देख सकते हैं इस बेल की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। यदि आप इस बेल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो फरवरी के महीने में इस बेल में एक बार कोई भी खाद ज़रूर डाल दीजिए। तीसरा काम हमें ये करना है कि हमें इसके पत्तों पर नीम ऑयल या फंजीसाइड का स्प्रे करना है। यदि इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं हुआ है तो भी हमें एक बार इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर देना है। ऐसा करने से इस बेल के पत्ते इंसेक्ट और कीड़ों से बचे रहेंगे और पूरे साल भर हरे भरे और हेल्दी रहेंगे। अब फरवरी के महीने में यदि आप ये काम कर देते हैं तो ये बेल हमेशा हेल्दी रहेगी और पूरी गर्मी के सीजन में अक्टूबर नवंबर तक इसमें फूल खिले रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।